हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल की चटनी, जिसे साउथ इंडियन डिशेस में खाया जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो एक नारियल को मैंने छिल करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। अब इसे ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे और 2 से 3 अदरक के टुकड़े डाल देंगे और 3 हरी मिर्च डाल दी है मैंने। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 चम्मच चना दाल को मैंने तवे पर रोस्ट कर लिया है, उसको भी डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। तो नारियल को पीसते वक्त इसमें थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में पानी डालना पड़ता है, नहीं तो नारियल को पीसने में मुश्किल होती है। तो चलिए पीस लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा इमली का टुकड़ा डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। तो चटनी हमारी पीस गई है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डाल करके और इसको घोल करके इसमें डाल देंगे। आप इसमें पानी और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको चटनी थिक लग रही है तो। चलिए तड़का लगा लेते हैं। तो एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें 1 चम्मच राई डाल देंगे, 2 लाल मिर्च को मैंने तोड़ कर डाल दिया है और साथ ही में थोड़े से कड़ी पत्ते डाल करके इन्हें भून लेंगे। अब इसे चटनी में मिला लेंगे। तो चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी? आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।